Hi, Ritzy. Hi, Ritzy. How are you doing? Good. आपके तो घुटना दिख रहा है, आप दिखी थी मैं का बहुत दिख जाता है. हेलो, मेरा घुटना है यार, तुमसे बात करेगा. ये यहाँ मेरा भी घुटना आपसे बात करेगा. Hi everyone. Hi. How are you doing? Hi. अरे. Hi everyone. How are you doing? I'm doing fine. You say. सुरदा सेठी आ चुके हैं एंड शी इज हैविंग हर मील जो कि है मेथी का पराठा. बाहर बैठे हैं और चल रही है अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी. ये वेदर परफेक्ट है ना, गर्मी ना सर्दी, बढ़िया एकदम मौसम, हल्की सी जैकेट वाला. सो दिस इज द वेदर दैट आई लाइक गाइस. ऐसा नहीं मुझे कोई मौसम पसंद नहीं है, ये मौसम बहुत पसंद है मुझे. सो हमारा चल रहा है दाल बाटी चूरमा. कैसा लगा? पापा आ गए हैं हमारे वापस. हेलो जी. दिल्ली से नहीं आया, वृंदावन से आया. वृंदावन से आया. हाँ, कैसा रहा तोरा आपका? बहुत बढ़िया रहा जी. महाराज जी के पास रहे चार पांच दिन. महाराज जी? हाँ, महाराज जी के पास रहे. अच्छा था? बहुत बढ़िया. ऐसे उन्होंने रखा जैसे कहते हैं गुलाब रखते हैं ना, फूल रखते हैं. हाँ. खाना पीना हमारे हम तो VIP, मतलब हमारा रिलेशन पुराने ऐसे है. हमें अच्छा ट्रीटमेंट होता है. हमें मतलब कुर्सियां दे आते थे, हम नीचे बैठ जाते, हमारी संगत सारी नीचे बैठती थी. अच्छा. हम नहीं बैठते थे तो स्पेशल कुर्सियां कहीं ना कहीं कैंसिल अरेंज करके बैठाते थे. देखो आगे मिर्ची खाती हूँ. आज बहुत दिनों बाद. और ये मिर्ची का चार भेजा सोनिया आंटी ने. वेरी यम्मी टेस्टी. आंटी आंटी तो हमारी भी नहीं है, आंटी तो रिदा की है. भाई बहुत ही स्वाद. थैंक यू सोनिया दीदी ने बना के भेजा. अनुष्का अंशुम की मम्मी है हमारे. और भेज देना, मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा आपने बहुत ही अम्मी है ना. पाव भाजी भी बहुत टेस्टी थी, छोले भी बहुत स्वाद थे. सोनिया इसका दोबारा से ऑर्डर आएगा फिर आपको. हाँ, चली गई. हाँ. तो वो ये खाने को अच्छा मिल रहा है, बहुत दिनों बाद उनके हाथ का दाल बाटी खाई है. थोड़ी खाना खा लेता हूँ. दिया चावल, दो चटनियाँ. ये मधु नहीं लाई, ये हमारी मधु दीदी एक बनाती है चटनी, बड़े दिनों से बनी नहीं थी. तो मैंने ही. अच्छा. मैंने की. हाँ, तो ये बनी है और एक ग्रीन चटनी. गौरी दीदी और निपे भैया. वेरी गुड. गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3 और रदा के आने का वक्त हो चुका है. तो सुबह से जाके अब हमने कैमरा उठाया है और आज वी माइट गो टू द वेडिंग. जो मेघा विक्रम है, जिनको आपने अर्जुन और दिव्या के व्लॉग्स में देखा होगा, वो लोग आए हुए हैं और गुड़गांव में आज विक्रम के ब्रदर की शादी है. सो दो राहुल को छुट्टी नहीं मिली है बिकॉज हम अभी एक वेकेशन से आए हैं और इस वजह से छुट्टी तो मिलना पॉसिबल है नहीं. बट फिर भी हम देखेंगे, लेट होगा हमारा शायद जाने का, बट विल डेफिनेटली गो देयर बिकॉज मेगा विक्रम घर पे भी आए थे और वो दोनों बोल के भी गए थे. कल भी एक फंक्शन था, वो तीनों फंक्शन के लिए बोल के गए थे बट पॉसिबल हो नहीं पा रहा है बिकॉज एक तो बहुत दूर है और रदा का स्कूल भी चल रहा है. तो आज भी मैं रदा को सुलाने के बाद विल बी गोइंग बिकॉज राहुल ऑफिस से लेट ही आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे. तो रिदा को पता नहीं लगना चाहिए, मैंने अपनी कोई साड़ी वाली तो एक निकाली है, यू कैन सी देयर. वो साड़ी पहनेंगे, माला को बोला है पहना देगी, तो देखते हैं कैसा रहता है. बाकी जैसे जैसे डे अनफोल्ड होगा वैसे वैसे पता रहेगा कि दिन आगे कैसा जाएगा. नॉट गुड. क्यों? मैं ना और तो मेडिकल में बैठी थी. क्यों? अरे पेटर थोड़ा तो उल्टी आ रही थी. क्यों होता है रिदा ये? रिदा पढ़ने आने दे. देखो मैं चीज बोलूं, ये जो फॉर्म्स है भर के प्लीज पढ़ाई कर लो. नहीं मॉम. हाँ, ये जो फॉर्म्स है ना कार्निवल का, प्लीज भर के देते. सेम फीस देना, बताऊं क्यों? क्योंकि बच्चे ने 1000 लाया, 1000 नहीं 1 करोड़ क्या होता है, 1 क्या बोला था, 1000 लाया था और उसको बाक नहीं मिला था. अच्छा, 800 ही देना. 800 देने. और वो बताओ हमको ऐसे ही एक वाइट खुद से भरा के एक वाइट पेपर और उसमें बने एनवलप में देना था वाइट कलर के और ऐसे बत्ता सारा उसने बताऊं किसने दिया, सगन के लिफाफे में और वो पिंक कलर का. हाँ, सगन के लिफाफे में और उसके जो आगे एक कॉइन भी लगा हुआ था और डिजाइन भी था उस पे. अच्छा,
उसमें दवाई अग्रवाल भी मैं भी सगन के लिफाफे में दे दूंगी, ठीक है? नहीं ठीक है, चलो जाओ खेल लो फिर, पढ़ लो। सो आई हैव कम बैक होम और बस आते ही तैयार हुआ हूँ। जल्दी से हमने निकलना है गुड़गांव के लिए, बिकॉज वहाँ पे विक्रम मेघा के ब्रदर की शादी है, जो कि दिव्या अर्जुन भी उस वजह से भी आए हुए थे कि उसकी शादी है, तो वी आर ऑल्सो इन्वाइटेड। सो वी जस्ट लीविंग नाउ, 10 मिनट में तैयार हुआ हूँ मैं फटाफट, एंड जिमर इज़ रेडी, एंड जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा खाना वाना खाते हैं बढ़िया, थोड़ी सी मस्ती करते हैं और फिर आते हैं वापस। सी इज सिटिंग राइट देयर, आप देख सकते हो क्या अपनी एक साड़ी, बहुत ही पुरानी साड़ी है ये मेरी, बट हाँ मौका मिला, मैंने लेके दिया था तुम्हें, तुमने लेके दिया था सब कुछ, और लाल लाल लिपस्टिक लगा ली है, तो रेडी हो गए और अब जा रहे हैं। सो रेड लिपस्टिक गाइज, और ये हमारा जेट का शेड होता था, अगर किसी को मतलब एग्जैक्ट रेड भी नहीं और रेड भी कलर चाहिए तो दिस इज़ मैक का रूबी वू शेड, जो वेरी नाइस शेड और अच्छा लगता है सबके ऊपर लगाया हुआ, सो यू कैन बाय इट। यार वो इतने प्यार से आए थे घर पे इनवाइट करने थे, तो हमारा बनता था कि जाना चाहिए, सिर्फ इस वजह से आ गए। हमारे लिए तो कोई दो प्यार के वचन बोल दे तो हम पहुंच जाते। हाँ हम पहुंच जाते। अभिजीत कब से बोल रहा है? अभी तो कल भी आना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभिजीत कब से बोल रहा है प्यार के वचन? आज अभिजीत को शाउट आउट दो पहले, तो तुम मुझे इतना डिफिकल्ट होता है मतलब उसके कमेंट्स पे रिप्लाई करना। क्या बोल रहा है वो? He wants to meet and he stays nearby only. तो फिर मिल लेते हैं, कब मिलना है बताओ? ये आप ही जवाब दे सकते हैं सर, आई कांट। अभिजीत प्लान करते हैं, तुम इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, ठीक है? सर के साथ करना है अभिजीत, ये मैसेज स्पेशली तुम्हारे लिए है, ठीक है? यू कनेक्ट विद हिम एंड ही विल लेट यू नो। आई ऑलवेज राइट थैंक यू सो मच ऑन योर कॉमेंट्स, बट मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या लिखूं, पता है? नहीं नहीं क्यों नहीं समझ में आता, बिल्कुल मिलते हैं, हम तो लोगों से मिलना पसंद करते हैं। वेरी नाइस, तो मिलेंगे जल्दी। ओके जी, ठीक है अभिजीत, कनेक्ट विद मी और फिर एक दिन डिसाइड करते हैं, लेट्स मीट। ही इज रेडी टू गिव मोमो पार्टी। ही इज रेडी टू गिव मोमो पार्टी, कहां पे? कहीं पे भी। ठीक है ठीक है, चलो लेट्स मीट देन। ओके, ए लड़का हमारा लग रहा है एकदम गजब, लुक देखो लड़की, ये देखिए आप, वेरी नाइस ब्यूटीफुल लुकिंग लाइक अ वाओ। ये पहुंचते ही हालत है इसकी, 2 मिनट नहीं हुए गिन के अभी, और इसकी हालत ये है कि आते ही गोलगप्पा दे दो भाई। घर से निकले हुए 1.5 घंटा हो गया। कीची वाज अप, कीची हाय, यू डोंट लाइक दिस, व्हाट? सो मम्मा हैज टू ईट नाउ। क्या हाल है भाई, हाउ इज इट गोइंग? गुड, व्हाट डू यू वांट टू ईट? तू खाती रहे, वो कह रहा है डोंट लाइक टू ईट, तो तेरा चलता रहना चाहिए। 11 साल, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी जी, हैप्पी एनिवर्सरी, विश कर लो जी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। 11 इयर्स टुडे, इस टाइम पे पागलों की तरह डांस कर रहे थे हम, मेहंदी रात थी, भैया चुपचाप छुपके से निकल के गया हुआ था भाभी से मिलने, है ना भैया, अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग पागलों की तरह डांस कर रहे थे इस टाइम। सो गाइस हम लोग आ गए इनके रूम में और बस फंक्शन हो गया खत्म, हम सुरभि को छोड़ेंगे एयरपोर्ट पे एंड देन वी विल बी गोइंग बैक टू होम। मेरा कल ऑफिस है नहीं तो हम यहीं पे रुकते हैं, कल भी हमने फंक्शन अटेंड करना है, बट आई थिंक यू नो हम लेट हो जाएंगे क्योंकि मैं रह जाता अगर मेरी छुट्टी होती, बट कल क्योंकि सैटरडे है, नहीं कल फ्राइडे है, तो मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो अभी हम वापस जाएंगे, फिर कल शाम को दोबारा शायद आएंगे एंड देन वील इन्जॉय। तो आज हमारी एनिवर्सरी है, मुझे सहानुभूति दें, मुझे शक्ति दें कि मैं और इस चीज़ को निभा पाऊँ, ठीक है? योर विशेज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट,
तो अब नेगेटिव कमेंट मत करना, ये सिर्फ मजाक था, ठीक है? चलो सी यू गाइस।